नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। शुरू में सर सैयद की नीति कामयाब साबित हुई और मुस्लिम मध्य वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन से खासा परे रहा, मगर 20वीं सदी की शुरुआत में इस मध्य वर्ग की नई पीढ़ी राष्ट्रीयता और कौमी आंदोलन की ओर खींचने लगी। इस धारे को काटने के लिए अंग्रेज सरकार की सरपरस्ती में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। लीग के दो मकसद थे, अंग्रेजी सरकार से वफादारी और मुस्लिम हकों की सुरक्षा। मगर कुछ ही सालों में लीग को भी कांग्रेस की देखा देखी स्वराज की मांग करनी पड़ी। मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, लेकिन हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन पर हिंदू हावी थे और उस पर उनका रंग छाया हुआ था, इसलिए मुस्लिम जहन में एक कश्मकश पैदा हुई। बहुतों ने इस कौमियत को कबूल करके ये कोशिश की कि इसे बहुरंगी बनाएं। कुछ लोग इस आंदोलन से हमदर्दी रखते हुए भी डांवाडोल रहे और बाकियों ने अलगाव का रास्ता अख्तियार कर लिया। सर सैयद की राष्ट्रीय आंदोलन से परे रहने की नीति भले ही देर तक सफल न रही हो, लेकिन उनके साथी नवाब मोहसिन उल मुल्क ने अंग्रेज सरकार को मुसलमानों के लिए अलहदा चुनाव क्षेत्र का खास हक देने पर राजी किया। इस एक अलग हक ने आगे चलकर भारत में अलगाववाद को काफी बढ़ावा दिया। इन अलग चुनाव क्षेत्रों की बिना पर 1916 में कांग्रेस को मुस्लिम लीग से समझौता करना पड़ा। फिर खिलाफत आंदोलन के कारण लीग की अहमियत कम हो गई और खिलाफत पार्टी और जमीयत उल उलेमा और एहरार ने डटकर 1921 के आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया। अपने हितों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमीशन हिंदुस्तान भेजा, जिसकी जबरदस्त मुखालफत हुई। ये साइमन कमीशन लॉर्ड अर्विन की चाल है, जो उसने हमें फूट डालने और अंग्रेजी हुकूमत की मुखालफत को कमजोर बनाने के लिए चली है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि सारे हिंदुस्तान में इस कमीशन के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बंबई में जबरदस्त हड़ताल की जा चुकी है, लाहौर में भी काफी मुजाहरे हुए हैं, जिनके नतीजे में हमारे बुजुर्ग लीडर लाला लाजपत राय जी सख्त जख्मी हो गए हैं। मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता में पुलिस मुठभेड़ में काफी लोग या तो मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं। अब यह कमीशन हमारे शहर लखनऊ में आ रहा है और मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि हमारे नौजवान, खास तौर पर तलबा और सियासी कारकुन ऐसे मुजाहरों में हिस्सा लें जिनसे लोगों की जान जा सके।
इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि कमीशन के खिलाफ मुजाहरे पुरअमन हों और लोग अपने जज्बात पर काबू रखें। अब मेरी दरख्वास्त है कि एक कमेटी बनाई जाए। इस बॉयकॉट कमेटी के कन्वेनर के लिए मैं राजा साहब का नाम पेश करता हूं। शुक्रिया। अब मैं कमेटी के लिए कुछ और लोगों के नाम पेश करता हूं। सबसे पहले इस शहर के मशहूर जागीरदार हामिद अली साहब। शुक्रिया। चौधरी साहब, लाला मक्खन लाल जी, पंडित जी, गणेश विद्यार्थी साहब, डॉक्टर एहसान और माजिद अली साहब। राजा साहब, मेरी नाचीज राय यह है कि एक ही घर से तीन आदमी लेने के बजाय अगर आप किसी दूसरे को ले लीजिए। देखिए, आप माजिद साहब, डॉक्टर एहसान एक घर के जरूर हैं, लेकिन यहां पर हर एक को उनकी खिदमात की वजह से लिया गया है। मेरी एक तजवीज है राजा साहब जी, जिसके जरिए हम दूर रहकर भी अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। मगर हम तो करीब जाकर उन्हें काले झंडे दिखाना चाहते हैं। वो तो दिखाइए विद्यार्थी जी, मगर जो मैं कह रहा हूं वो भी कीजिए तो दोहरा असर होगा। फरमाइए क्या तजवीज है। कमीशन को तालुकेदारों की तरफ से पार्टी दी जा रही है, इसका बंदोबस्त कैसरबाग में किया गया है। वहीं बाबू वासुदेव लाल जी का मकान है, जिसके दो मंजिले पर से कैसरबाग की बारादरी दिखाई देती है। मेरी तजवीज है कि हम लोग दो मंजिले पर खड़े होकर पतंगे और गुब्बारे उड़ाएं और उन्हें बारादरी पर गिरा दें। एहसान मियां, ये वक्त मजाक का नहीं है। माजिद भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं संजीदगी से कह रहा हूं। अमा जो साइमन साहब हार्ड मांस के आदमियों से नहीं डरे, वो कागज के कनकवों से कैसे डर जाएंगे। मकसद डराना नहीं है लाला जी, मकसद अपनी बात पहुंचाना है। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ। It's about me. I've just got a kite from the heavens that's telling me to go home, gentlemen. I think you've offended someone, sir. 1927 के अंत में फिर मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नए संविधान के बारे में बातचीत हुई और मोतीलाल नेहरू की सदारत में एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस रिपोर्ट के कुछ मुद्दों को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कांग्रेस में सख्त इख्तिलाफ हुए और आखिर लीग की कई शर्तें रद्द कर दी गईं। इसके बाद लीग ने फिर जोर पकड़ा और 1931 के आंदोलन में मुसलमानों को भाग न लेने पर उकसाया। तब तक खिलाफत पार्टी बिखर चुकी थी, मगर जमीयत उल उलेमा और एहरार पार्टियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का साथ नहीं छोड़ा। मैंने आपके इलाहाबाद जाने की सब तैयारी कर ली है। शुक्रिया बेगम। अरे दुल्हन, माजिद मियां सो गए क्या? जाग रहा हूं भाजन। आइए अंदर आइए। आइए भाजन। आदाब। सलामत रहिए। आइए बैठिए। क्या बात है, बहुत देर लगा दी आपने। हाँ मियां, देर हो गई थोड़ी, मीटिंग थी अपने चौधरी साहब के मकान पर। सब खैरियत तो है ना? गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। वो तो होना ही था, जिस दिन नमक का कानून तोड़ने का ऐलान हुआ था
उसी दिन मैं समझ गया था भाईजान कि हुकूमत खामोश नहीं रहेगी। माजिद मियां, सिर्फ यही नहीं, खबर मिली है कि दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे। पंडित मोतीलाल, जवाहरलाल, मालविया जी, वल्लभ भाई, इन लोगों की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए हैं। भाईजान, ये तहरीक ज्यादा देर नहीं चल सकती। आवाम को लेकर कब तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे? एक बार लीडर पकड़े गए बस सब लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। हाँ, इसलिए डॉक्टर अंसारी का कहना है कि जो जो गिरफ्तार होता जाए अपने जानशीन का ऐलान करता जाए। कांग्रेस को बगैर लीडर के एक मिनट भी नहीं रहना चाहिए। और फिर माजिद मियां, आखिर कहाँ तक पकड़ेंगे ये लोग? जेलों में इतनी जगह कहाँ है? हाँ, वो हमने आपका और एहसान मियाँ का नाम दे दिया है कि जब भी ज़रूरत हो हम लोग हाजिर हैं। मगर भाईजान, मैं तो इलाहाबाद जा रहा हूँ। क्यों? वहाँ मुस्लिम लीग का सेशन होने वाला है, मैं उसकी इंतजामिया कमेटी का सेक्रेटरी हूँ। भाई आप भी कमाल करते हैं माजिद मियाँ, अपनी सरगर्मियों को एक तरफ कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप खिलाफती कमेटी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, मुस्लिम लीग में भी हैं, कभी कभी तो बहुत परेशानी में डाल देते हैं आप। भाईजान, आप भी तो इन तीनों में हैं। बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं आप, लेकिन बुनियादी तौर पर हम एक खिलाफती हैं बस, बाकी सब बातें बाद में। खिलाफत और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं, वो तो एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मतलब लीग अब अलग है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ये तमाम पार्टियां तो बराए नाम अलग अलग हैं, असल मकसद तो सबका एक ही है ना? सलीम भाई। अरे शाहिन, आओ जी। अम्मी पूछ रही थी अब्बा की कोई खबर आई, इलाहाबाद से कब तक वापसी होगी? उनकी तो कोई खबर नहीं आई, लेकिन इस अखबार में बहुत दिलचस्प खबर आई। अब्बा के बारे में? नहीं, अल्लामा इकबाल के बारे में। वो इलाहाबाद में लीग के जलसे की सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने एक मुस्लिम रियासत का मतालबा किया है। फरमाते हैं, मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सूबे सरहद को एक रियासत की शक्ल में देखना चाहता हूँ जो खुद मुख्तार हो, चाहे वो बरतानवी सल्तनत की हदूद के अंदर हो या बाहर। शिमाल मगरबी मुसलमानों की मंजिल एक आज़ाद मुतहदा रियासत का क़याम ही नज़र आती है। शायर है ना, शायरों का काम ही ख्याल की दुनिया बसाना है। शुक्र करो शाहीन, किसी ने उनकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता तो समझ लो कि फितना खड़ा हो जाता। कैसा फितना? हिंदू कहते जहां उनकी अक्सरियत है वहां उनकी रियासत मिलनी चाहिए। हिंदू मुसलमानों में खूब जुदम पैदा हो जाती और फायदा होता अंग्रेज का। लगता है आप अलीगढ़ में रहकर काफी समझदार हो गए हैं, या फिर ये अब्बा और चचा मियां के साथ रहने का नतीजा है? तारीफ का शुक्रिया मोहतरमा, लेकिन मेरी समझदारी में ना आपके अब्बा का हाथ है ना मेरे अब्बा का हाथ है। माफ कीजिएगा, वो तो खुद इंतहाई कंफ्यूज्ड हैं। हाय अल्लाह, कैसी बातें करते हैं सलीम भाई। वो बुजुर्ग हैं इसलिए मुंह पर नहीं कहता, लेकिन पीछे तो कह सकता हूँ। हमारे अब्बा अब तक खिलाफती बने हुए हैं, जबकि खिलाफत खत्म हुई तो जमाना गुजर गया भाई। तो क्या हुआ, खिलाफत कमेटी वतन की आजादी के लिए ही तो कोशिश कर रही है ना? यही तो मुसीबत है शाहीन। आधे लोग कहते हैं कि मुसलमानों का कोई वतन नहीं होता, क्योंकि वो एक अजीम मिल्लत इस्लाम का एक मेंबर है, और बाकी आधे कहते हैं कि इस्लाम वतनियत के खिलाफ नहीं है, वतन पहले मिल्लत बाद में। इस पर जमीयतुल उलेमा और अल्लामा इकबाल को लेकर कितनी बहस हुई है। आपका क्या ख्याल है, क्या मजहब की कोई अहमियत नहीं? मेरे ख्याल से मजहब एक ज़ाती मामला है शाहीन, और मजहबी अक्सरियतों की मांग ये होनी चाहिए कि उन्हें अपने मजहब और तौर तरीके कायम रखने के लिए एक महफूज माहौल मिले बस। अब्बा तो कहते हैं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों को उनके बराबर के हक नहीं मिलेंगे अगर उसके लिए अभी से एहतजाज न करें। यही तो अफसोस की बात है शाहीन, मजहब की जगह ले ली है फिरका परस्ती ने, यानी कुछ लोगों का ग्रुप ये कहता है कि वो मजहब पर मबनी है और उसकी मांगों का मजहब से कोई वास्ता नहीं है। उसकी मांगें सिर्फ वास्ता रखती हैं सरकारी ओहदों से, नौकरियों से और सियासी ताकत से। तो आपका मतलब है कि अब्बा दोगले ख्यालों के हैं? नहीं, चचा जान तो ऐसे नहीं है, लेकिन वो भी जज्बात में ये भूल रहे हैं कि लड़ाई गरीबी और जहालत के खिलाफ भी लड़नी है, जो उनके महदूद दायरों में रहकर नहीं लड़ी जा सकती। अरे आइए आइए मखनलाल जी, तशरीफ रखिए। मुबारक हो एहसान मियां, मुबारक हो। शुक्रिया लाला जी। अम्मा,
इतनी बड़ी कांग्रेस के, इतने बड़े अखबार के आप एडिटर चुने गए और इतनी छोटी सी महफिल। हाँ, हमसे कहते बारादरी में वो महफिल गर्म करते कि पूरा शहर याद करता। भाई एहसान मियां से हमने भी यही कहा था मक्खनलाल, लेकिन इनका कहना यह है कि जो रकम महफिल पे खर्च करनी है वो हम चंदे में दे दें। हमा हटाइए, सियासत अपनी जगह, रीत रिवाज अपनी जगह। लाला जी ये कांग्रेस का अखबार है, खादी पे छपेगा और बैलगाड़ियों में बटेगा। महफिल तो नहीं होगी, मगर जिस दिन अखबार का पहला शुमारा बाजार में आएगा तो जलसा करने का इरादा है इंशाल्लाह। ये एक डमी है, कहिए क्या ख्याल है आपका? गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मौलाना मोहम्मद अली की जोरदार तकरीर। एहसान मियां, आपको मालूम है ना मौलाना मोहम्मद अली अब कांग्रेस ही नहीं रहे, फिर भी आपने अपने अखबार में उनकी तकरीर को इतनी अहमियत दी। हामिद अली, एहसान, गजब हो गया भाई। क्या हुआ? मौलाना मोहम्मद अली का इंतकाल हो गया। नहीं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा माफ़रत करे, कैसा शीर आदमी था। अभी दो दिन पहले क्या तकरीर की थी, फरमाया था मैं गुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा। लगता है मौत उनकी जबान से बोल रही थी। मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं, वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं। भाईजान, भाईजान ये रोने का वक्त नहीं है, उठिए। मौलाना के गम में आज शहर बंद होना चाहिए। उठिए। मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद। भाइयों, आज मौलाना मोहम्मद अली की वफात के गम में सारे शहर में बंद रहेगा, इसलिए दुकानें बंद कर लीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया। मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद। रामलाल, आप दुकान नहीं बंद कर रहे हैं? क्यों? रामलाल जी, मरहूम मोहम्मद अली साहब के गम में हम सबको शरीक होना चाहिए। मैं ख्याल है आप भी अपनी दुकान बंद करें। अरे भाई, हम क्यों अपना धंधा खराब करें? हाँ, मरने वाले हमारे नेता थोड़ी थे। ये क्या कह रहे हैं आप रामलाल? अगर आपके नेता ना होते तो इतनी बीमारी के बावजूद वो लंदन क्यों गए होते? अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ क्यों रहे होते? अरे वो मुसलमानों के नेता थे, मुसलमान अपनी दुकानें बंद करें। ये आप हिंदू मुसलमान का क्या सवाल उठा रहे हैं? हाँ हाँ रामलाल, अपनी दुकान बंद करो, ये क्या बेकार का सवाल उठा रहे हैं आप? अरे हिंदू मुसलमान हैं तो हिंदू मुसलमान का सवाल भी उठेगा। हाँ चलिए भाईजान, चलो। ऐसे लोगों से क्या मुंह लगना। माजिद मियां, ये हिंदू मुसलमान का सवाल इससे पहले तो नहीं उठा था, ये उठान अच्छी नहीं है भाई, अल्लाह खैर करे। वो मौलाना मोहम्मद अली जो एक जमाने में गांधी जी का दाहिना हाथ माने जाते थे, अब इनके लीडर नहीं रहे, भूल गए उनकी सारी कुर्बानियां। मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद। चाचा मियां, हाँ, ये जुम्मन आपसे लगान के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। कहो जुम्मन, कैसे हो? आपकी दुआ है सरकार। इस बार कौन सा बहाना लेकर आए हो? अब की बार फसल ठीक नहीं हुई सरकार, आप अपने हिस्सा कुछ कम कर लें। देखो जुम्मन, पिछली बार भी तुमने कहा था कि बारिश नहीं हुई तो हमने अपना हिस्सा कम कर दिया, उसे पिछले साल तुमने कहा बाढ़ आ गई उस वक्त भी हमने अपना हिस्सा कम कर दिया, लेकिन इस साल ना तो सूखा पड़ गया ना बाढ़ आ गई, तो फिर हम क्यों अपना हिस्सा कम करें? फसल को घुन लग गया सरकार, तो हम क्या करें? फसल को घुन लग गई या तुम्हारी बेटी की गोने में रुपया ज्यादा खर्च हुआ इसलिए बाड़े कर रहे हो? चाचा मियां, आप इसकी बात मान लीजिए, वरना गांव के बाकी बटाईदारों की तरह ये भी इस तरह इस साल लगान नहीं चुकाएगा। क्यों, क्यों नहीं चुकाएगा लगान? बोल। वो हमको बता रहे कि गांधी जी ने मना किया है। गांधी जी कह रहे से तुम्हारा क्या वास्ता? ये सब सियासी बातें हैं, तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं।
सरकार, क्या अपने हक के लिए भी हम लोग नहीं लड़ सकते? देखो जुम्मन, तुम चुपचाप अगले जुमे तक हमारा हिस्सा यहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं भाईजान से तुम्हारी शिकायत करूंगा। जाओ, चले जाओ। जमी, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आप भूल गए अल्लामा इकबाली ने कहा था, जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोजी, उस खेत की हर गोशाए गंदम को जला दो। सलीम, ये जवाहरलाल और उसके सोशलिस्ट साथियों ने इन गरीब मजदूरों का दिमाग खराब कर दिया है। कह रहे हैं कि अब जागीरदारी खत्म कर दो। तो गरीब किसान और मजदूर का भला हो जाए तो क्या बुराई है इसमें जयाजान? सलीमिया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत इन जुम्मन मियां जैसे मजदूरों के हाथ में दी जाए? इकबाल साहब का कौड़ा भूल गए? जमाने कार अगर मजदूर के हाथ में हो फिर क्या, तरीकाए कोहकन में भी वही हीले हैं परवेजी। सलीमिया, ये गरीब किसानों की आड़ लेकर जवाहरलाल भी अब हिंदू महासभा की हां में हां मिला रहे हैं। लेकिन जागीरदारी खत्म करने की मांग से हिंदू महासभा क्या ताल्लुक से जमिया? वो तो खुद पैसे वाली पार्टी है। जागीरदारी खत्म करने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि ज्यादातर काश्तकार हिंदू है और जमींदार मुसलमान है। सारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, मसलन बंगाल और मलबार में तो मुसलमान काश्तकारों ने 1921 में हिंदू जागीरदारों के खिलाफ जिहाद किया था। इसीलिए सलीम मियां, जागीरदारी खत्म करने की मांग यूपी में की जा रही है। बंगाल और मलबार में यही लोग इस बात की मुखालफत कर रहे हैं। सलीम मियां, ये सब मंसूबे मुसलमानों के खिलाफ हैं, खासकर यूपी के मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि यूपी का मुसलमान बाकी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहा है। पहले हमारी हुकूमत चली गई, अब अगर जागीरदारी भी खत्म हो जाएगी तो हम कहां के रह जाएंगे? मुझे तो इस मुल्क में इस्लाम खतरे में नजर आ रहा है। रगों में अब वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल, वो आरजू बाकी नहीं है। नमाज और रोजा, कुर्बानी और हज, ये सब बाकी है मगर तू बाकी नहीं है। जान, आप जो कह रहे हैं आपको खुद को भी उस पर यकीन नहीं है। सलीमिया, बेगम आप आइए, तशरीफ रखिए। यहां दीवान खाने में क्यों चली आई? हमें बुलवा लिया होता। वो अंदर बाकी लोग हैं ना? बाकी लोग तो क्या कोई ऐसी बात करनी है जो बाकी लोगों से छुपानी है? भी और नहीं भी है भाई। देखिए, ये अंग्रेजों की पॉलिसी मत अपनाइए। साहब साहब का ये बात क्या है? आपने अपने बेटे के बारे में क्या सोचा है? सलीमिया के बारे में? भाई उनके बारे में क्या सोचना है, माशाल्लाह जवान है, खूबरू हैं, पढ़े लिखे हैं, अपने बारे में खुद सोच सकते हैं। शाहीन कह रही थी कि सलीम शायरी करने लगा है। कभी कभी आप बड़ी बचकाना बातें करने लगती हैं बेगम। अरे भाई, इसमें बुराई क्या है? और फिर उर्दू जबान है ही ऐसी कि जरा सी कोशिश से उसमें वजन और मौसीकी पैदा हो जाते हैं। आप कभी मुजाहिल की बात समझने की कोशिश करें तो क्या बुराई है? सलीम की शायरी मैंने देखी है, वो आपके हमारे जमाने की शायरी नहीं है, वो बहुत इनकलाबी शायरी है। और जो किताबें वो आजकल पढ़ रहा है ना, वो रूस के इनकलाब के बारे में है। क्या? ओ, तो साहबजादे अलीगढ़ के कम्युनिस्टों से मुतासिर मालूम पड़ते हैं। खुदा ना खास्ता किसी को मालूम पड़ गया तो बात फैल सकती है, सलीम किसी मुसीबत में भी पड़ सकता है। हाँ, नहीं पर आप घबराएं नहीं, हम आज ही शाम को उनसे बातें करेंगे। नहीं, बात करने से कुछ नहीं होगा। आप उसकी शादी कर दें, दुल्हन ऐसी हो जो उसका दिल दूसरी तरफ लगा सके। ठीक है, हम आज ही नजमा के बारे में एहसान से बातें करते हैं। नजमा उसे नहीं रोक सकेगी, वो तो बहुत कमजोर लड़की है। तो फिर कोई और है आपकी नजर में?
शाहीन कैसी रहेगी? पढ़ी लिखी है, समझदार है, हमारा अपना खून है। भाई बेगम, आप तो कभी कभी बहुत अकलमंदी की बातें करने लगती हैं। बहुत बेहतर ख्याल है आपका, घर की बात है और फिर अपने माजिद मियां भी खुश हो जाएंगे। हुजूर। क्या बात है नसीबन? हुजूर चौधरी साहब आए हैं। अच्छा अच्छा, आप अंदर तशरीफ ले जाएं, भेज दो ने। आइए आइए चौधरी साहब, तशरीफ रखिए। नहीं नहीं भाई, भाई आमिद आप शेरवानी पहने और हमारे साथ चले। क्यों चौधरी साहब, खैरियत तो है? भाई अब क्या बताएं, शहीद भगत सिंह के सोग में बाजार बंद करवाया जा रहा था, लेकिन कुछ मुसलमानों ने तो दुकानें बंद करने से ही इनकार कर दिया है। क्या बेवकूफी की बात है, अब मीटिंग में तो तय हुआ था कि आम हड़ताल रहेगी। भाई उनका ये कहना है कि दो महीने पहले हिंदुओं ने जो मौलाना मोहम्मद अली की वफात पर वो हड़ताल नहीं की थी, अब ये उसकी जवाबी कार्रवाई है। ला हौल वला कुव्वत। माजिद मियां और एहसान मियां कहां हैं? एहसान मियां तो मीटिंग का बंदोबस्त कर रहे हैं और माजिद कहीं रूट कर चले गए। रूट कर? किससे? भाई हमसे झगड़ा हो गया था, उनका ये कहना है कि मुसलमानों का स्टैंड बिल्कुल दुरुस्त है, अब इसी बात से कशीदगी और फैल गई है। पागल हैं माजिद भी, जज्बात में बहकर जाने क्या क्या कह जाते हैं। आप फिक्र न करें, बाजार हम बंद कराएंगे। तशरीफ रखिए, हम अभी हाजिर हैं। जी साथियों, मेरे अजीज दोस्तों, अजीम इनकलाबी सरदार भगत सिंह को महज इसलिए सूली पर चढ़ा दिया अंग्रेजों की जालिम सरकार ने कि वो अपना बुनियादी हक चाहते थे, इस मुल्क की आजादी मांग रहे थे। सरदार भगत सिंह की शहादत किसी हिंदू मुसलमान या सिख की मौत नहीं, बल्कि मादरे वतन के एक इनकलाबी बहादुर बेटे की मौत है, हमारे साथी की मौत है, हमारे भाई की मौत है। अगर आज के दिन भी हम खामोश रहे, हमने अपने गमो गुस्से का इजहार नहीं किया, तो दुनिया क्या कहेगी, अंग्रेज क्या समझेंगे? यही ना कि हमारा इत्तेहाद खत्म हो चुका है, हम में भाईचारा नहीं रहा? मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज आप अपनी दुकानें, अपना कारोबार, अपने दफ्तर सब कुछ बंद करके ये साबित कर दीजिए कि हम एक हैं। अपने तमाम हिंदू और मुसलमान दोस्तों से मेरी गुजारिश है, दस्तबस्ता दरखास्त है कि आज की हड़ताल में शामिल होकर हिंदू मुस्लिम दोस्ती का एक बेहतरीन नमूना पेश करें आप लोग। जब मौलाना मोहम्मद अली साहब का इंतकाल हुआ था तब ये दोस्ती कहां थी? तब भी ये दोस्ती कायम थी मेरे भाई। मगर बाजार तो बंद ही हुआ था, पूछ लीजिए रामलाल से। हाँ। इसने उस वक्त दुकान खोली थी, इसलिए आज हम भी दुकान बंद नहीं करेंगे। अगर तू दुकान बंद नहीं करेगा तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। क्या कर रहे हैं? अरे दुकान नहीं, क्या मजाक क्या कर रहा है? आदाब लाला जी, बैठिए बैठिए। आदाब बस। आदाब पंडित जी, बैठिए। कहिए कैसे? ठीक हूँ लाला जी, मैं तो आज ही लौटा हूँ, पता चला मसीहा आप बीमार हैं तो देखने चला है। अब कैसा है जख्म? जख्म तो भर जाएगा पंडित जी, मगर ये फसाद का जख्म हमेशा दिल पर रहेगा। बेचारा गणेश विद्यार्थी जैसा शरीफ आदमी मारा गया, बड़ा दोस्त आदमी था। आज तक हमारे शहर में कभी फसाद नहीं हुआ था, यहां भी हो गया। बापूजी का बयान पढ़ा आप लोगों ने? बड़ा दुख हुआ उन्हें। जवाहरलाल जी तो दौरा करने आ रहे हैं। सुना है जवाहरलाल बोल्शेविक हो गए।
रूस जैसा संघर्ष यहां भी लाना चाहते हैं। वो बोल्शेविक नहीं है, वो यहां डेमोक्रेसी निजाम चाहते हैं। ये तो नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? इसलिए कि यहां के मुसलमान उनका साथ नहीं देंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? आप अलग किस्म के मुसलमान हैं, मगर आम मुसलमान ये नहीं समझते कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो वो अलग नहीं रह सकते। अगर रहना है का क्या मतलब? हम यहां रहते हैं, ये हमारा वतन है और हम यहीं रहेंगे। ये आप कह रहे हैं एहसान मियां? जरा अपने बहनोई माजिद अली से पूछकर देखिए कि वो क्या कहते हैं। कल चौक में सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि मुसलमान वो नहीं करेंगे जो हिंदू चाहेंगे। माजिद भाई ने ये कहा था? जी हाँ, माजिद साहब ने ये कहा था। आदाब भाईजान। आदाब। अब आपकी तबीयत कैसी है? भाभी जान बता रही थी कि आपने कल से कुछ खाया नहीं। आप कुछ नाराज मालूम हो रहे हैं। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं माजिद मियां कि हम क्यों और किससे नाराज हैं। भाईजान, भाईजान मुझ में आप जितनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। मैं एक हद तक जब्त कर सकता हूं, उसके आगे नहीं। और मेरे जैसे हजारों हैं जो इस तरह की मुसलसल बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर किसने की आपकी बेइज्जती? हिंदू ने। वो हमें नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अब आप कल ही की बात लीजिए, मौलाना मोहम्मद अली की वफात पर उन्होंने दुकानें बंद करने से इनकार कर दिया। हम खून का घूंट पीते रह गए, मगर जब हमने वही हरकत की तो उन्होंने इतना बड़ा फसाद खड़ा कर दिया ताकि सारी दुनिया मुसलमानों पर थू-थू करे, नाम धरे, सारे मुसलमान बदनाम हो जाए। बचकाना बात है, दुनिया अंधी नहीं है। और महज हिंदुओं के कह देने पर से मुसलमान बदनाम नहीं हो सकते। मुसलमान बदनाम हो रहे हैं अपनी हरकतों से, अपने जज्बाती फैसलों की वजह से। अरे अगर सैकड़ों शहरों में से एक शहर के हजारों दुकानदारों में से दो एक ने हड़ताल में हिस्सा नहीं लिया तो इसका इल्जाम सारी हिंदू बिरादरी पर कैसे धरा जा सकता है? क्योंकि कच्चा या पक्का देखने के लिए एक चावल का दाना देखा जाता है भाईजान। कोई भी शख्स पूरी हांडी उलट कर नहीं देख सकता। अच्छा अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहां के सारे हिंदू अचानक मुसलमानों के दुश्मन हो गए, उनसे नफरत करने लगे? सारे हिंदू नहीं, मगर हिंदुओं की अक्सरियत आप मुसलमानों के साथ एक जैसा सलूक नहीं कर रहे। किस मुल्क दुश्मन ने कहा कि हिंदू मुसलमानों में बराबरी नहीं रह गई? हमसे मिलाइए उसे, हम बताते हैं कि यहां के हिंदू मुसलमानों में अब भी इत्तेहाद कायम है। क्योंकि हमारी लड़ाई हम वतनों से नहीं है बल्कि उनसे है जो जबरदस्ती हमारे मुल्क पर कब्जा किए बैठे हैं। भाईजान, आप पुराने खिलाफती हैं और खिलाफत और कांग्रेस का रिश्ता भी पुराना है, मगर अब हालात बदल रहे हैं। इस वक्त मुसलमान के सामने सिर्फ मुल्क की आजादी का सवाल नहीं है, उसे यह भी सोचना है कि उसकी हैसियत इस मुल्क में दूसरे दर्जे की शहरी की ना हो। बखुदा बखुदा, अगर ये बात किसी अंग्रेज ने कही होती तो मेरी समझ में आ जाती, क्योंकि उनकी हमेशा तमाम तर कोशिशें यही रही हैं कि हमें इत्तेहाद न होने पाए। लेकिन अफसोस अफसोस, ये बात आप कह रहे हैं माजिद, आप हमारे सगे भाई। भाईजान, आप जज्बात रिश्तों से अलग हटकर सोचिए। उनके और हमारे बीच में कोई भी चीज मुश्तरक नहीं है। उनकी जबान अलग, तहजीब अलग, रहन सहन अलग, रस्म रिवाज अलग। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? हिंदुस्तान के मुसलमानों के रस्म रिवाज, उनका पहनावा, उनका रख रखाव, सब सब इसी सरजमीन की देन है। न हम कहीं से बाहर लेकर आए थे और न कहीं से उधार मंगाया गया है सब कुछ। और ये उर्दू जबान जिसका बड़ी खूबसूरती के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इसी धरती की देन है। और आपसे ज्यादा उसका इस्तेमाल हिंदू कर रहे हैं। यहां की हवा जिसमें आप सांस ले रहे हैं, ये जमीन जिसका अनाज आप खा रहे हैं, यहां के दरियाओं का पानी जो आप पी रहे हैं, यह आसमान जिसकी छांव में आप चैन की नींद सो रहे हैं, ये न हिंदू का है न मुसलमान का है, ये मुश्तरक है और इसे बांटा नहीं जा सकता। भाईजान, आप कुछ नहीं समझ सकते। माजिद मियां, आप जो कुछ हमें समझाना चाह रहे हैं वो हम समझना भी नहीं चाहते। उन्नीस सौ बत्तीस में अंग्रेज सरकार की ओर से
सांप्रदायिक अवार्ड का ऐलान हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि चुनाव क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रांतों में सरकार भी कायम होगी, जिसमें हिंदुस्तानियों की काफी दखल होगी। मगर पूरे मुल्क के लिए केंद्रीय सरकार बनाने पर अंग्रेज राजी नहीं थे। हर संप्रदाय के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र मुकर्रर हुए और इस कानून के तहत 1936-37 में चुनाव तय हुए। राजा साहब, अगर ये खबर सच है तो बड़ी परेशानी की बात है। मैं अभी अभी पंच साहब से मिलकर आ रहा हूँ। रफी अहमद कुदवाई मौजूद, वो दोनों भी बेहद परेशान है। अजी, इलेक्शन सर पर है, उसका तो नक्शा ही बदल जाएगा। बेवक्त तकलीफ इसलिए दी कि एक बहुत ही अहम खबर आई है। राजा साहब, आप ही बताइए। हमें साहब, अंग्रेज फिर एक चाल चल गया है। गवर्नर सर मैलकम हेली ने यूपी के तमाम जमींदारों को इस बात पर राजी कर लिया है कि वो अपनी पार्टी बनाए। पार्टी का नाम भी रखा गया है, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी। अब ये नई पार्टी कांग्रेस के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी और इसके पास जमींदारी की ताकत के साथ साथ सरकारी हिमायत भी होगी। तो क्या मुस्लिम जमींदार भी इस पार्टी में शामिल है? राजा साहब, मुसलमानों के लिए जो सीटें रखी गई हैं, अब उन पर मुसलमान जमींदार इंतखाब लड़ेंगे। एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी अपना कोई नुमाइंदा नहीं खड़ा कर रही है। जाहिर है कि मुसलमान जमींदार बिला मुकाबला ही जीत जाएंगे, लेकिन ये वो जमींदार होंगे जिन्हें मुस्लिम लीग की हिमायत हासिल होगी। मुस्लिम लीग? राजा साहब, मुस्लिम लीग तो बस बराए नाम है। अजी, लीग को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन से वापस आकर मुस्लिम लीडरों से मुलाकात शुरू कर चुके हैं। सवाल यह पैदा होता है हामिद भाई, कि इस सूरत हाल में उन मुसलमानों का क्या होगा जो ना तो जमींदार हैं और ना ही लीग के साथ में हैं? भाई चौधरी साहब, इस बात का फैसला तो तभी हो सकता है जब ये मालूम हो जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना के दिल में क्या है। दिल्ली में भी सर्दी तो बहुत होगी। हाँ, लेकिन सियासी गर्मा गर्मी में महसूस नहीं हुई। जिस दिन वहां पहुंचा उसी शाम कायदे आजम ने मुझे बुला लिया। वहां पहुंचा तो अच्छा खासा जलसा था, सभी लोग मौजूद थे। पहुंचे किफायतुल्ला, मौलाना हुसैन अहमद और शौकत अली भी थे वहां। मगर ये लोग तो लीग में नहीं है। हाँ, ये लोग लीग में नहीं है, ये लोग मुस्लिम यूनिटी बोर्ड के मेंबर हैं। कायदे आजम ने उन्हें बातचीत करने के लिए बुलाया था। कायदे आजम हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एक झंडे तले देखना चाहते हैं। फैसला क्या हुआ? कायदे आजम ने कहा कि उन्हें लीग की लीडरशिप पसंद नहीं है, जो इस वक्त जमींदारों और सरकार से खिताब हासिल करने वालों के हाथों में। उनका कहना था कि ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इनके लिए मजहब और कौम की कोई अहमियत नहीं है। कायदे आजम ने यहां तक कहा कि लीग के मौजूदा लीडर अंग्रेजों के पिट्ठू हैं। हाय अल्लाह, कोई कुछ बोला नहीं? क्या कहते? अब 10 मई को बंबई में एक सेशन रखा गया है, जिसमें इलेक्शन के लिए एक पार्लियामानी बोर्ड चुना जाएगा। कायदे आजम ने साफ कहा, देखो भाई, हमारी पार्टी को अक्सरियत तभी मिल सकती है जब जितनी भी मुस्लिम सीटें हैं उन पर जो भी मुसलमान इलेक्शन लड़ेगा वो लीग का हो। मुस्लिम यूनिटी बोर्ड के मेंबरों ने कायदे आजम की बात मान ली? नहीं, मौलाना हुसैन अहमद और मौलाना शौकत अली ने एतराज किया। उनका कहना था कि भाई, हम तो अंग्रेजों से मुकम्मल आजादी की मांग कर रहे हैं और इसलिए अपनी मुहिम चला रहे हैं। लीग मुकम्मल आजादी की कायल ही नहीं है, इसलिए कोई समझौता नहीं हो सकता। इस बात पर कायदे आजम ने कहा कि भाई, पार्लियामानी बोर्ड में हम आप लोगों को अक्सरियत देंगे, आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। बस इस नतीजे पे पहुंचकर मीटिंग खत्म हो गई। अल्लाह करे इलेक्शन का नतीजा अच्छा निकले। इंशाल्लाह। कांग्रेस इस बात को मानती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, मगर ये इख्तिलाफात क्या हैं? सिर्फ बात को समझने के ढंग में फर्क है। अगर मुसलमान चाहता है कि उसके जायज मुतालबात पूरे किए जाएं, तो वो क्या गलत चाहता है? अगर वो चाहता है कि उसे रियायतें दी जाएं, तो ये उसका सामाजिक हक है। मगर ये इख्तिलाफ, ये फर्क मजहब की वजह से नहीं, ये तो एक शहरी का दूसरे शहरी से इख्तिलाफ है। जो लोग मजहब का लफ्ज सियासत में इस्तेमाल करते हैं, उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, वो किसी भी मजहब के मानने वालों के दोस्त नहीं, उनके दुश्मन हैं। वो फिरका परस्त हैं जो एक छोटे से फिरके के फायदे के लिए मजहब की आड़ ले रहे हैं। आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि कांग्रेस की पॉलिसी क्या है। कांग्रेस की पॉलिसी वही है जो उसके आका अंग्रेज की पॉलिसी है, यानी मुसलमानों को आपस में लड़वाओ और उन्हें कमजोर करो।
खुदा के वास्ते आप उनके फरे में ना आए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। कायदे आजम ने सही फरमाया है, अगर मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं होता तो किसी भी कीमत पर उनकी तबाही नहीं रुक सकती। अगर आपको लगता है कि हम गलती पर हैं, अगर आप लोगों को हमसे इत्तेफाक नहीं है, तो आप लोग हमारे साथ आइए, हमारी गलती को ठीक कीजिए, क्योंकि घर का ऐब घर वाले ही ठीक कर सकते हैं, कोई गैर नहीं। इस वक्त हमें इत्तेहाद की जरूरत है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिर कबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं, एक बात याद रखिए, हमें इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, बस बस, और मुझे कुछ नहीं कहना। अगर हमें इस देश का स्वामी बनना है, अगर हमें अपने भाग्य का फैसला खुद करना है, तो हमें हिंदू बनना होगा। हमें एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना पड़ेगा जैसी मुसलमानों ने अपने लिए की है। उनकी संस्कृति, उनका कल्चर इस देश का कल्चर नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि इस पावन धरती का अंश बने, तो उन्हें हमारे संस्कारों को अपनाना चाहिए, उन्हें हिंदू नाम रखने चाहिए, हिंदू त्योहारों को उसी तरह मनाना चाहिए जिस तरह वो अपने त्योहार मनाते हैं, उन्हें हिंदू धर्म अवतारों का आदर करना चाहिए, तभी इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता संभव है, और यही महासभा का लक्ष्य है। भाइयों, यह कोई सियासी पार्टी वार्टी का जलसा नहीं है, यह एक आम आदमी का जलसा है जो यह जानना चाहता है कि धर्म और मजहब के नाम पर वोट मांगने वाले ये जमींदार, ताल्लुकेदार और ये सरमाएदार उसके नुमाइंदे हैं या नहीं। भाइयों, दौलतमंद सिर्फ अपनी दौलत का नुमाइंदा होता है, और यह इलेक्शन सिर्फ दौलतमंदों का इलेक्शन है, क्योंकि यहां सिर्फ उन्हें वोट देने का हक है जिनके पास कम से कम 10,000 रुपया या उतने ही रकम की कोई जायदाद हो। अगर यह आवाम का इलेक्शन होता तो यहां नवाबों, जागीरदारों और सेठों के साथ साथ लड्डन, घसीटा और जुम्मन को भी वोट देने का उतना ही हक होता, जिनके पास भूख और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी पार्टी हो, ये सब शोषित वर्ग के खिलाफ शोषण कर रहे हैं, ये लोग हमारे नुमाइंदे नहीं है। ३९३७ के चुनाव में मुस्लिम लीग बुरी तरह हारी, हालांकि कांग्रेस कई प्रांतों में जीती, लेकिन कांग्रेस ने खास मुस्लिम चुनाव सीटों पर बहुत कम उम्मीदवार खड़े किए, और जहां किए भी वहां आधी से कम जगहों पर फतह हासिल की। इसके बाद लीग के सदर मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस से फिर एक बार समझौता करना चाहा, मगर शर्त यह थी कि मुस्लिम लीग को ही हिंदुस्तानी मुसलमानों का एकमात्र नुमाइंदा स्वीकारा जाए, जो शर्त कांग्रेस ने रद्द कर दी थी। इसके बाद झांसी के एक उपचुनाव में लीग ने पहली बार इस्लाम खतरे में है का नारा अपनाकर कामयाबी हासिल की, तो लीग और कांग्रेस में तनाव बढ़ गया। फिर क्या, अंग्रेजों की फूट डालकर कमजोर करो वाली नीति जो वो आयरलैंड में आजमा चुके थे, यहां भी कारगर साबित हुई, और देखते देखते मुल्क के बंटवारे के लिए मांग बढ़ने लगी। 1930 के इंतखाब में 70 लाख वोटर्स थे, जबकि इस इलेक्शन में 3,60,00,000 हिंदुस्तानियों के पास अपनी राय देने का हक था, और सारे ब्रिटिश इंडिया से 1,585 नुमाइंदे चुने जाने थे। कांग्रेस ने 1,161 जगहों के लिए मुकाबला किया और 716 सीटें जीत ली। 11 में से 6 सूबों में कांग्रेस को अक्सरियत मिली है, और 3 ऐसे सूबे हैं जहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। यूपी में कांग्रेस को 288 में से 133 जगह मिली हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्रिटिश इंडिया में 482 जगह मुसलमानों के लिए मखसूस थीं, उनमें से कांग्रेस ने 56 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए और 28 सीटें जीत लीं। इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग को मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में भी कामयाबी हासिल नहीं हुई है।
सरकारी ऐलान के मुताबिक बंगाल में 117 मुस्लिम जगहें थीं जिनमें से लीग को 38 हासिल हुई। पंजाब में 84 नशिस्तें मुसलमानों के लिए मखसूस थीं जिनमें से लीग ने 7 जगहों के लिए मुकाबला किया और उसके 2 उम्मीदवार जीते। सिंध में 33 जगहों में से सिर्फ 3 लीग के उम्मीदवारों के कब्जे में आई हैं। मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में मुसलमानों के लिए 272 जगहें मखसूस थीं जिनमें से लीग ने 43 हासिल की हैं। इस तरह लीग का नतीजा 4.8% निकलता है, 4.8%। हिंदू महासभा ने यूपी और पंजाब में अपने बहुत से उम्मीदवार खड़े किए थे मगर एक के सिवा सभी कांग्रेस के मुकाबले में हार गए हैं। सूबा सरहद में जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है कांग्रेस की कामयाबी की खबर मिली है। भाईजान आदाब, खुश रहिए, खुश रहिए एहसान। वालेकुम एहसान। वालेकुम सलाम। आइए, कैसे हो मियां? भाई अल्लाह मुबारक करे, आओ बैठो। शुक्रिया भाईजान, ये सब बाप की दुआओं का सत्ता है भाईजान। अरे मियां क्या कह रहे हो, ये तो तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी ईमानदारी और वतन परस्ती का नतीजा है भाई। भाई खुदा और कामयाबी दे। उन्हें रोकिए। क्या हुआ भाई, किसे रोकिए? माजिद मियां जा रहे हैं, दुल्हन मना रही है लेकिन मानते ही नहीं। अल्लाह कुव्वत, ये क्या अहमकाना हरकत है। अल्लाह संभल गए। सलीम जरा हमें सहारा दीजिए। चलिए भाईजान, जरा माजिद भाई को आप समझाइए। माजिद मियां, माजिद भाईजान, अब आप बीच में न बोले, मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अब यहां नहीं रह सकता। सियासी हरजीत का घर से क्या ताल्लुक है माजिद भाई? मुझसे तो है, और मैं अब ऐसी किसी जगह नहीं रह सकता जहां मुसलमानों के दुश्मन रहते हो। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे तमाम मुसलमानों के नुमाइंदे आप ही हो। जी नहीं, मुसलमानों के नुमाइंदे तो आप जैसे कांग्रेस के मुसलमान हैं। माजिद मियां, माजिद, हमें से कोई सारे मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है भाई। हम तो सैलाब में बहते हुए उस तिनके की मानिंद हैं जिसे खुद अपनी मंजिल का पता नहीं। भाई मेरे, उस नफरत और हकारत, बेएतमादी और फिरका परस्ती के सैलाब को उतर तो जाने दो, फिर मालूम होगा कि मुसलमान क्या चाहते हैं। मुझे नहीं लगता अब्बा कि ये सैलाब कभी भी उतरेगा। मेरा ख्याल है यही वो पस मंजर है जिसमें से चंद साल पहले हिंदुस्तान के बंटवारे की आवाज बुलंद हुई। यूं तो उनके कारण थे, कई फराहमी सबब भी, कई तरह की गलतियां और हिमाकतें, और सबसे बढ़कर अंग्रेजी सरकार की जोड़ तोड़ की नीति। लेकिन इन सब की तय में मानसिक पस मंजर था, चंद तारीखी हालात के अलावा, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मुसलमानों के मध्य वर्ग का विकास बहुत देर से हुआ। इस अंतराल ने मुसलमानों में खौफ की कैफियत पैदा कर दी है। पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान को तकसीम करने की तजवीज, चाहे वो जज्बाती हैसियत से कईयों के लिए खास कशिश रखती है, इस बिछड़ेपन का कोई इलाज नहीं है। और यह अंदेशा है कि इससे जागीरदार तबके की गिरफ्त काफी अरसे तक और मजबूत हो जाएगी और मुसलमानों की आर्थिक तरक्की में ज्यादा देर लगेगी। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान, जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अविदे कर, जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर,
स्वर्ग और सूरज भी स्थिर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर, गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर। व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर। ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर। फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।